नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि संथाल परगना क्षेत्र के सभी उपायुक्तों को यह निर्देश जारी करें कि आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश की तरफ से आने वाले घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर काम करें। राज्य सरकार शपथ पत्र के माध्यम से 2 सप्ताह के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करे। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और कहा है कि सभी उपायुक्तों को एक दिशा निर्देश जारी करें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने का काम करे और उसे रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार करे जिससे कि घुसपैठियों पर अंकुश लगाया जा सके।